अगर हम ठान ले तो कुछ भी करना असंभव नहीं है, तो आज ही दृढ़ निश्चय कीजिए कि आपको क्या करना है। नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 20 फरवरी के करंट अफेयर, और देखिए आज के वीडियो में हम 12 करंट अफेयर पर चर्चा करेंगे और साथ में इनके स्पेशल फैक्ट को हम पूरे डिटेल में जानेंगे। और देखिए इस वीडियो के लास्ट में आपसे 5 क्वेश्चन प्री पूछेंगे, तो आपको इन 5ों प्रश्नों के जवाब भी देने हैं। तो शुरू से लास्ट तक वीडियो में बने रहिए, और देखिए इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप इसकी PDF फाइल भी डाउनलोड कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इस वीडियो की PDF लिंक मिल जाएगी। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, और साथ में वीडियो को लाइक करके इसको शेयर भी कर दीजिएगा ताकि और भी स्टूडेंट इस वीडियो को देख के इससे लाभ उठाएं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के करंट अफेयर्स को, लेकिन सबसे पहले बात कर लेते हैं कल के करंट अफेयर्स पूछे गए सभी क्वेश्चन आप देखे सही उत्तरों की। देखिए कल उसने का पहला प्रश्न था कि हाल ही में किस राज्य में भारत की पहली इंटरसिटी इलेक्ट्रिक बस सेवा शुरू की गई है, तो देखिए भारत का ये राज्य आपका महाराष्ट्र है। और देखिए दूसरा था कि हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने किस स्थान से वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से काशी महाकाल एक्सप्रेस का उद्घाटन किया, तो देखिए यह स्थान आपका है वाराणसी। और देखिए तीसरा था कि वन्य जीवों की प्रवासी प्रजातियों के संरक्षण पर 13वें कॉप यानी कि कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज की जो मेजबानी है ये किस देश ने की, तो देखिए इसकी मेजबानी भारत ने की। और इसके बारे में अगर डिटेल में जानना है तो परसों का वीडियो देख के उसको रिवाइज कर डालिए। और चौथा था कि 65वां अमेजन फिल्म फेयर अवार्ड 2020 कार्यक्रम जो है ये किस स्थान पर आयोजित हुआ, तो देखिए इसका आयोजन किया गया था असम राज्य में। और इसके बारे में मैंने परसों के वीडियो में डिटेल में बताया था किसको किस श्रेणी में, किस अभिनेता को या फिर किस डायरेक्टर को या फिर किस सिंगर को कौन सा अवार्ड मिला। और पांचवा था कि बिग बॉस के 13वें सीजन का विजेता कौन बना, देखिए बिग बॉस के 13वें सीजन के विजेता बने हैं सिद्धार्थ शुक्ला जी। और आज के करंट अफेयर का पहला प्रश्न है कि कौन सा देश विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है, तो देखिए जो आपका भारत है, भारत जो है ये दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। और इस न्यूज को थोड़ा सा हम डिटेल में जान लेते हैं। देखिए वर्तमान में जो दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है ये आपका अमेरिका है, फिर दूसरे नंबर पर आपका चाइना है, तीसरे नंबर पर जापान है, चौथे नंबर पर जर्मनी है, और 5वें नंबर पर आपका आ गया है भारत। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि भारत वर्तमान में दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। और भारत किसको पीछे छोड़कर 5वीं अर्थव्यवस्था बना है दुनिया की, देखिए भारत जो है ये ब्रिटेन और फ्रांस को पीछे छोड़कर जो है दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना है। देखिए वर्तमान समय की बात करें तो जो आपका ब्रिटेन है ये दुनिया की 6ठी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, और जो आपका फ्रांस है ये दुनिया की 7वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। और देखिए अभी हाल ही में भारत की अर्थव्यवस्था के बारे में कुछ विशेष चीज़ें बताई गई थी एक रिपोर्ट में, और इस रिपोर्ट को ध्यान सुनिएगा। देखिए भारत जो है 2.94 ट्रिलियन डॉलर के सकल घरेलू उत्पाद के साथ विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। और भारत जो है इसका जो सेवा क्षेत्र है ये अर्थव्यवस्था का 60% और रोजगार का 28% के साथ जो है विश्व में तेजी से बढ़ने वाला क्षेत्र है। और साथ ही जो आपका विनिर्माण है और एग्रीकल्चर यानी कि कृषि है ये अर्थव्यवस्था के 2 अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं, इसको आपको याद रखना है। और देखिए थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं अमेरिका की। देखिए जो आपका अमेरिका कंट्री है ये पिछले 149 वर्षों से दुनिया का सबसे बड़ा अर्थव्यवस्था बना हुआ है, तो ये पूरी डिटेल्स आप नोट कर लीजिए। और दूसरा प्रश्न आपका है कि हाल ही में किस देश ने परमाणु क्षमता संपन्न क्रूज मिसाइल RAD-2 का सफल परीक्षण किया, तो देखिए जो आपका RAD-2 है इसका सफल परीक्षण अभी हाल ही में पाकिस्तान के द्वारा किया गया है। पाकिस्तान का एक मिसाइल है RAD-2। देखिए पाकिस्तान ने हाल ही में 600 किलोमीटर की दूरी तक हमला करने वाली परमाणु शक्ति संपन्न क्रूज मिसाइल RAD-2 का सफल परीक्षण किया है, और ये परीक्षण जो है ये भूमि और समुद्र में हमलों को नाकाम करने की सेना की जो क्षमता बढ़ाने के तौर पर पाकिस्तान में देखा जा रहा है। तो देखिए पाकिस्तान में अगर कोई भी मिसाइल वगैरह लॉन्च होता है तो उस सारी एक्टिविटी पर हमारे एग्जामिनर नज़र रखते हैं और ये पूछ लेते हैं कि कौन सा मिसाइल किस देश का है, तो जो आपका RAD-2 मिसाइल है ये पाकिस्तान का है, इसको आपको याद रखना है। और ये तीसरा प्रश्न आपका है कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना पर 4थे राष्ट्रीय सम्मेलन का जो आयोजन है ये राजस्थान के किस शहर में हाल ही में किया गया, तो देखिए अभी हाल ही में राजस्थान का जो उदयपुर शहर है यहाँ पर जो है जो आपका प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है इस पर 4थे राष्ट्रीय सम्मेलन का जो है आयोजन किया गया था। और देखिए इस सम्मेलन का जो आयोजन है ये कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के द्वारा किया गया था, और इसमें नाबार्ड, RBI और बीमा कंपनियों आदि ने जो है हिस्सा लिया। और देखिए सबसे खास बात है कि जो आपका ये प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है ठीक है ये कब लॉन्च हुआ था, देखिए ये प्रश्न एग्जाम में बहुत बार पूछा भी जा चुका है। तो देखिए जो आपका प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है इसको भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 13 जनवरी 2016 को लॉन्च किया था। और चौथा प्रश्न आपका है कि मृदा स्वास्थ्य कार्ड दिवस जो है किस दिन मनाता है, तो देखिए ये तिथि आपकी 19 फरवरी है। देखिए 19 फरवरी 2015 की बात है, 19 फरवरी 2015 को प्रधानमंत्री मोदी ने राजस्थान के सूरतगढ़ में जो है
मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना को शुरू किया था, और इस योजना का जो लक्ष्य है ये पूरे देश में किसानों को एक सॉयल कार्ड जारी करने की योजना है, जिससे किसानों को मिट्टी की जो गुणवत्ता है इसका अध्ययन करके उनको एक अच्छी फसल प्राप्त करने में सहायता मिल सके। देखिए, जो आपका मृदा स्वास्थ्य कार्ड है, ठीक है, यानी कि जो आपका सॉयल हेल्थ कार्ड है, इसमें जो है आपको बताया जाता है कि आपकी जो मिट्टी है, ठीक है, उसकी टेस्टिंग करने के बाद जो है इसमें पता चलता है कि इसमें कितने नाइट्रोजन की और कितने पोटेशियम, कितने फास्फोरस, यानी कि कितने माइक्रो न्यूट्रिएंट और कितने मैक्रो न्यूट्रिएंट की ज़रूरत है। तो अगर इसके हिसाब से आप उसमें जो है जो आपके पोषक तत्व है डालेंगे मिट्टी में, तो आपकी मिट्टी की जो गुणवत्ता है बरकरार रहेगी और आपकी फसल जो है ये अच्छी पैदा होगी। तो इसी उद्देश्य से ये मृदा स्वास्थ्य कार्ड लॉन्च किया गया था 2015 में 19 फरवरी को। और देखिए, पांचवा प्रश्न आपका है कि भारत के सुनील कुमार ने एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप के पहले दिन जो है ग्रीको रोमन के 87 किलोग्राम भार वर्ग के फाइनल में कौन सा पदक जीतकर इतिहास रच दिया है। तो देखिए, जो भारतीय पहलवान आपके हैं सुनील कुमार जी, इन्होंने अभी हाल ही में गोल्ड मेडल यानी कि स्वर्ण पदक जीता है। कहाँ पर? एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप के पहले दिन ग्रीको रोमन के 87 किलोग्राम भार वर्ग के फाइनल में। और किसको हरा कर जीता है ये भी जान लेते हैं, और इन्होंने क्या रिकॉर्ड बनाया है ये भी जान लेते हैं। देखिए, जो आपके भारतीय पहलवान है सुनील कुमार, तो इन्होंने अभी हाल ही में 87 किलोग्राम भार वर्ग के फाइनल मुकाबले में जो है किर्गिस्तान के अजत साली दिनों को 5-0 से हराकर जो है ये खिताब जीता है। और सबसे खास बात जो कि एग्जाम में पूछी जाएगी, देखिए, भारत को एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप यानी कि एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में 1993 के बाद जो है पहली बार अब जाके जो है स्वर्ण पदक मिला है। और ये स्वर्ण पदक किसने जीता है? भारत के पहलवान सुनील कुमार ने। देखिए, सुनील कुमार से पहले ये कारनामा किया था पप्पू यादव जी ने, ठीक है, इसको आपको याद रखना है। और देखिए, जो आपका ये एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप चल रहा है तो इसमें कुछ और भी भारतीय पहलवानों ने पदक जीता है। देखिए, भारत के आसू, आदित्य, कुंडू और हरदीप ने जो है 19 फरवरी को एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में दूसरे दिन जो है ग्रीको रोमन स्पर्धा में अपने अपने वजन वर्ग में जो है कांस्य पदक जीता। देखिए, जो आपके भारतीय पहलवान आसू है, इन्होंने 67 किलोग्राम वर्ग में सीरिया के अब्दुल करीम मोहम्मद अल हसन को 8-1 से हराया और कांस्य पदक जीता। और जो आपके आदित्य कुंडू है, इन्होंने जापान के नाओ कुसा को जो है 72 किलोग्राम के एक तरफा मुकाबले में 1.5 मिनट में 8-0 से पस्त किया और इन्होंने भी कांस्य पदक जीता। और जो आपके हरदीप हैं, इन्होंने 97 किलोग्राम वर्ग में जो है किर्गिस्तान के बेक सुल्तान मकमाद जानोविच माख मुदो को जो है 3-1 से हरा कर भारत के लिए तीसरा कांस्य पदक जीता। तो इन तीनों का नाम भी आपको याद रखना है। और देखिए, छठा प्रश्न आपका है कि स्टेट ऑफ इंडियाज बर्ड्स रिपोर्ट 2020 के अनुसार भारत में पक्षियों की जो तादाद है ये कितनी घटी है। तो देखिए, जो आपका ये स्टेट ऑफ इंडियाज बर्ड रिपोर्ट 2020 है, इसमें बताया गया है कि भारत में जो पक्षियों की तादाद है ये घटी है 79%। और इस रिपोर्ट को थोड़ा सा डिटेल में हम जान लेते हैं। देखिए, इस रिपोर्ट में 867 प्रकार के पक्षियों का अध्ययन किया गया और उनकी दीर्घावधि यानी कि लगभग 25 साल और लघु अवधि यानी कि 5 साल के आंकड़े जुटाए गए। और देखिए, इस रिपोर्ट में 101 प्रजातियों के संरक्षण पर अत्यधिक चिंता जताई गई। और आंकड़ों के मुताबिक पिछले 25 वर्षों में जो आपका गौरैया है, ठीक है, गौरैया पक्षी के बारे में जानते होंगे, स्पारो बोलते हैं उसको हम अंग्रेजी में, तो गौरैया की संख्या में कोई ज़्यादा कमी नहीं आई है। और जैव विविधता के लिए जो आपका मशहूर वेस्टर्न घाट यानी कि पश्चिमी घाट है, तो इस पर जो है साल 2000 से जो है पक्षियों की जो तादाद है इसमें 75% की जो है कमी हुई है, ऐसा बताया गया है स्टेट ऑफ इंडियाज बर्ड रिपोर्ट 2020 में। तो इस पेज का भी स्क्रीन शॉट ले लीजिए और ये सारी डिटेल्स जो है नोट कर लीजिए। सातवां प्रश्न है कि हाल ही में किस पूर्व भारतीय क्रिकेटर को लारियस स्पोर्टिंग मोमेंट अवार्ड दिया गया। तो देखिए, अभी हाल ही में जो आपके सचिन तेंदुलकर जी हैं, इनको जो है लारियस स्पोर्टिंग मोमेंट अवार्ड दिया गया है। और क्यों दिया गया इसको अभी हम वीडियो में आगे जान लेते हैं, लेकिन सबसे पहले आपको बता दूं कि जो आपके सचिन तेंदुलकर हैं, इनको ये सम्मान जो है इनके जो प्रशंसक हैं उनके वोटों के आधार पर दिया गया है। तो आइए थोड़ा सा हम लारियस स्पोर्ट अवार्ड के बारे में जान लेते हैं, 2020 में जो है ये किसको किसको किस श्रेणी में अवार्ड दिया गया। देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे लारियस वर्ल्ड स्पोर्ट मैन ऑफ द ईयर की। देखिए, ये अवार्ड दिया गया है लुइस हैमिल्टन और लियोनल मेसी को, और इसको आपको जरूर याद रखना है। ये प्रश्न हर साल पूछा जाता रहा है कि जो आपका उस वर्ष का यानी कि 2019-20-18 मतलब जिस वर्ष की बात करें तो पूछा जाता है कि इस वर्ष का लारियस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर किसे चुना गया। तो 2020 की हम बात करें तो 2020 में जो आपके लुइस हैमिल्टन और लियोनल मेसी है, इनको लारियस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर चुना गया है। और देखिए, लारियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर चुना गया है सिमोना बाइल्स को, इसको आपको याद रखना है। और साथ ही लारियस वर्ल्ड टीम ऑफ द ईयर घोषित किया गया है दक्षिण अफ्रीका की पुरुष रग्बी टीम को।
और जो आपका ये लार्जेस्ट बेस्ट स्पोर्टिंग मोमेंट का अवार्ड है, ये सचिन तेंदुलकर दिया गया है। और क्यों दिया गया है, देखिए जब पिछला वर्ल्ड कप हुआ था तो उस समय जो आपके सचिन तेंदुलकर जब भारत ने वर्ल्ड कप जीता था, तो उनको जो है कंधों पर उठाकर युवराज सिंह ने पूरे चक्कर लगाए थे मैदान में। तो टीम इंडिया के द्वारा कंधों पर उठाकर इनको स्टेडियम का चक्कर लगाया गया था, और इसीलिए इनको लार्जेस्ट बेस्ट स्पोर्टिंग मोमेंट का जो है अवार्ड दिया गया। और ये पांचवा आपका है लार्जेस्ट वर्ल्ड ब्रेक थ्रू ऑफ द ईयर, और ये अवार्ड ईगन बर्नल को दिया गया है। और लार्जेस्ट वर्ल्ड कमबैक ऑफ द ईयर का अवार्ड जीता है सोफिया फ्लार्स ने। और लार्जेस्ट वर्ल्ड स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर विथ अ डिसेबिलिटी का अवार्ड ओक्साना मास्टर्स ने जीता है। और लार्जेस्ट वर्ल्ड एक्शन स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर का जो अवार्ड है ये क्लो गिम को मिला है। और लार्जेस्ट लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जीता है डिर्क नोविट जिगी ने। और साथ ही जो आपका लार्जेस्ट एकेडमी एक्सेप्शनल अचीवमेंट अवार्ड है ये स्पेनिश बास्केटबॉल फेडरेशन को दिया गया है। और लार्जेस्ट स्पोर्ट फॉर गुड अवार्ड जो है ये साउथ ब्रोंक्स यूनाइटेड को दिया गया है। तो इस पेज का भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको बैठ के आराम से नोट कर लीजिएगा, ठीक है, ये सारे एग्जाम में पूछे आएंगे। और आठवां प्रश्न है कि हाल ही में अशरफ गनी को जो है किस देश का राष्ट्रपति चुना गया है। तो देखिए अभी हाल ही में जो अशरफ गनी है ये दूसरी बार राष्ट्रपति चुने गए हैं अफगानिस्तान के, और देखिए पिछले साल ही चुना हुआ था राष्ट्रपति का, लेकिन इसका जो परिणाम है यानी में काफ़ी देरी हो गई। देखिए अफगानिस्तान में जो आपका राष्ट्रपति का चुनाव है ये सितंबर 2019 में समाप्त, लेकिन जो आपके अफगानिस्तान में विपक्ष के नेता हैं अब्दुल्ला अब्दुल्ला, तो उनकी तरफ से चुनाव में धांधली का आरोप लगा और इसीलिए जो है उसकी काउंटिंग उस समय रोक दी गई। देखिए अफगानिस्तान के चुनाव आयोग के अनुसार जो आपके अशरफ गनी हैं, इन्होंने अफगानिस्तान के राष्ट्रपति चुनाव में जो है बतौर राष्ट्रपति उम्मीदवार 50.64% वोट हासिल किए। और इस चुनाव में जो आपके अशरफ गनी थे उनके सामने अब्दुल्ला अब्दुल्ला खड़े थे जिन्होंने महज 39.52% वोट हासिल किए। तो इसको आपको याद रखना है, ये आंकड़े एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखिए परीक्षाओं में प्रश्न क्या पूछा जाता है कि किस देश में राष्ट्रपति चुनाव हुआ और वहाँ पे कौन कौन से दो उम्मीदवार रहे। तो देखिए जो आपका अशरफ गनी है, ठीक है, अशरफ गनी जो है ये विजेता रहे और इनके सामने जो उम्मीदवार खड़े थे इनका नाम था अब्दुल्ला अब्दुल्ला, तो ये चीज़ आपको याद रखना है। और देखिए नवा प्रश्न है कि हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने वित्त वर्ष 2020-21 के लिए कितने करोड़ रुपए का बजट पेश किया। तो देखिए ये अमाउंट आपको याद रखना है, ये अमाउंट आपका है 5,12,860.72 करोड़ रुपये। तो अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश की सरकार ने 5,12,860.72 करोड़ रुपए का जो है बजट पेश किया वित्त वर्ष 2020-21 के लिए। और कुछ खास बातें हैं इनको भी आप याद कर लीजिएगा। देखिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, और उत्तर प्रदेश के जो वित्त मंत्री हैं इनका नाम है सुरेश खन्ना, ये आपके खन्ना जी हैं, और इन्होंने बजट पेश किया। देखिए जो आपका उत्तर प्रदेश का बजट है तो इसके बारे में खास बात ये रही कि जो उत्तर प्रदेश का बजट है ये पिछले साल के बजट के 33,159 करोड़ रुपए अधिक है, और ये उत्तर प्रदेश के इतिहास का जो है सबसे बड़ा बजट भी है ये भी कहा जा रहा है। और देखिए इस बजट में नई योजनाओं के लिए कुल 10,967.87 करोड़ रुपए का जो प्रावधान किया गया है, और ये योगी सरकार का चौथा बजट है ये भी आपको याद रखना है। बाकी मैं एक अलग वीडियो प्रिपेयर करने वाला हूँ उत्तर प्रदेश के बजट पे, और उसका पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड कर दूंगा, आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। दसवां प्रश्न आपका है कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अनुसार किस राज्य में नवजात शिशु मृत्यु दर में एक अप्रत्याशित वृद्धि दर्ज की गई है। तो देखिए ये राज्य आपका है मध्य प्रदेश। देखिए मध्य प्रदेश में जो आपके नवजात शिशु हैं, देखिए नवजात शिशु कहते हैं अगर कोई भी बेबी है उसकी उम्र 28 दिन है या फिर 28 दिन से कम है, ठीक है, तो पैदा होने से 28 दिन तक उसको हम कहते हैं नवजात शिशु। तो मध्य प्रदेश में जो आपके नवजात हैं इनकी मृत्यु जो है इसका प्रतिशत है 12.2%, और ये जो है बिहार के पिछले वर्ष के आंकड़े से अधिक है, ठीक है, यानी कि पिछले साल बिहार में जो है नवजात मृत्यु शिशु मृत्यु दर जो है ये अधिक थी, लेकिन इस बार जो है जो आपका ये आंकड़ा प्रस्तुत हुआ है इसमें मध्य प्रदेश में नवजात शिशु मृत्यु दर को जो है अधिक बताया गया है। और देखिए 11वां प्रश्न है कि हाल ही में किस प्रसिद्ध बंगाली अभिनेता और तृणमूल कांग्रेस के पूर्व सांसद का निधन हो गया। तो देखिए ये बंगाली अभिनेता आपके थे तापस पाल, और इनका भी हाल ही में निधन हो गया है। ये जो है तृणमूल कांग्रेस के जो है लीडर थे और ये पूर्व सांसद थे और ये विधायक भी रह चुके थे, तो इनके बारे में कुछ खास चीज़ें हैं ध्यान सुनिएगा। देखिए जो कि तापस पाल हैं इन्होंने बंगाली सिनेमा में 22 साल की उम्र में अपना करियर शुरू किया था, और 1980 में समीक्षकों द्वारा जो है पसंद की गई फिल्म थी इनकी दादर कीर्ति, तो इसी से ये फेमस हुए थे, और इन्होंने बॉलीवुड में भी जो है कई सारी फिल्में की थी। और देखिए जबकि तापस पाल हैं ये जो है पश्चिम बंगाल के कृष्णा नगर से 2 बार सांसद रहे हैं और पश्चिम बंगाल के अलीपुर से जो है विधायक भी चुने गए थे, तो
तो ये डिटेल्स याद रखना इनके बारे में। और 12वां प्रश्न है कि जूनियर पुरुष हॉकी विश्व कप 2021 की मेजबानी कौन करेगा। देखिए सब कुछ तो ठीक है, लेकिन इस प्रश्न को आप अलग से कहीं नोट कर लीजिए, क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है और ये खेल से जुड़ा प्रश्न है और एग्जाम में पूछा जाएगा। देखिए जो आपका जूनियर पुरुष हॉकी विश्व कप 2021 है, इसकी मेजबानी करेगा भारत। और जो आपकी ये जूनियर पुरुष हॉकी विश्व कप 2021 है, ठीक है, तो ये प्रतियोगिता जो है 2021 के अंत में खेली जाएगी और भारत जो है ये दूसरी बार इस प्रतिष्ठित टूर्नामेंट की मेजबानी करेगा, यानी कि जूनियर पुरुष हॉकी विश्व कप की मेजबानी करेगा। देखिए भारत ने इससे पहले 2016 में जो है उत्तर प्रदेश के लखनऊ में इस कार्यक्रम का आयोजन किया था, और इस बार जो आपका 2021 में जूनियर पुरुष हॉकी विश्व कप आयोजित होगा तो उसकी क्या खास बातें रहेंगी। देखिए 2021 के इस जूनियर पुरुष हॉकी विश्व कप में कुल 16 टीमें हिस्सा लेंगी, जिसमें मेजबान भारत समेत टोटल 6 यूरोप, 4 एशिया, 2 अफ्रीका और 2 ओशिनिया और 2 पैन अमेरिका देशों की जो है टीमें शामिल होंगी। तो इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लेकिन सबसे पहले आपको क्या रखना है कि जूनियर पुरुष हॉकी विश्व कप 2021 की मेजबानी कौन करेगा, भारत करेगा कब, 2021 के अंत में। तो ये थे आपके आज के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर, और अब हम बात कर लेते हैं आज के सभी क्वेश्चन पे। देखिए आज के क्वेश्चन अपडेट का पहला प्रश्न आपके लिए कि किस राज्य सरकार ने जो है राज्य को हरा भरा बनाने के लिए प्यार का पौधा अभियान शुरू किया, इसका आंसर बताइए। और दूसरा प्रश्न आपके लिए कि भारत के दूसरे सबसे अमीर व्यक्ति कौन बन गए, इनका नाम बताइए। और देखिए भारत के सबसे अमीर व्यक्ति कौन है, इनका नाम भी जरा कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। तीसरा प्रश्न आपके लिए कि गो एयर के नए सीईओ कौन नियुक्त किए गए हैं, इनका नाम बताइए। और चौथा प्रश्न आपके लिए कि एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2020 का जो आयोजन है ये कहाँ पे किया जा रहा है, इसका आंसर बताइए। और पांचवा प्रश्न है कि मूडीज ने भारत की वर्ष 2020 के सकल घरेलू उत्पाद यानी कि जीडीपी ग्रोथ पूर्वानुमान को जो है 6.6% से घटाकर कितना कर दिया, इसका आंसर बताइए। तो इसी प्रश्न के साथ आज का करंट अफेयर समाप्त होता है। आप कल के वीडियो को देखकर उसको रिवाइज भी कर लीजिएगा, और वीडियो को भी लाइक करके इसको शेयर कर दीजिए, और जो लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि मेरे अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जो है ऑटोमेटिक और सबसे पहले मिल जाए। तो इसी के साथ आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।